हो पैसे की हो बात तो कड़के बड़े बड़े बन जाते पर ठंडन गोपाल This case is a pretty simple case. My client had paid an amount of 1 lakh rupees to the respondent to impregnate his wife. My client was derived, so he approached the respondent for help. What if she was taking pills and not allowing the fact allowing herself to get pregnant? How do you rule out that fact? मेरे क्लाइंट ने कभी भी ये प्रॉमिस नहीं किया था, ये गारंटी नहीं दी थी कि कंसेप्शन बच्चा पैदा होगा ही. सिर्फ बोला था कि मैं कोशिश करूंगा और कोशिश उसने की 72 बार उसने कोशिश की. Can you prove that she was being satisfied? I feel conceptually ये गलत है that a man sends his wife to another man who he may be sterile or not sterile and his wife is cheating on somebody else and the two children are not. It's a very complicated case. I just say that झूठ बोलया कोई ना देखी मैं कुफर तोलया कोई ना देखी मैं जहर खोलया. हमारा कानून स्लो है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा बैकवर्ड, थोड़ा रिग्रेसिव. कहीं पे हम लोगों को कानून कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें बदलनी चाहिए. मेरे ख्याल से देश को सिर्फ एक अच्छी और सच्ची सरकार चला सकती है और कोई नहीं. और जिस दिन हमको एक अच्छी और सच्ची सरकार मिल जाएगी हमारा देश बहुत तरक्की कर लेगा.